अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है अफगानिस्तान में, जहां एक बड़ा हवाई हादसा हुआ है। अफगान मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार एक दुखद घटना में विमान अपने मूल मार्ग से भटक गया था और शनिवार 20 जनवरी की रात बंदख्वा में जेबक जिले के पहाड़ी इलाके से टकरा गया। अभी तक इस विमान की पहचान को लेकर भारत सरकार और अफगानिस्तान सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। नागर विमान मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि वहां कोई भारतीय उड़ान नहीं जाती है। सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान ना तो भारतीय है और ना ही भारत का कोई चार्टर्ड प्लेन है। इससे पहले अफगान मीडिया का दावा है कि यह विमान भारतीय है। बता दें, बदख्वा के सूचना और संस्कृति विभाग के प्रमुख जबीउल्ला अमीरी ने कहा कि बदख्वा प्रांत के कुरान मुंजन और जेबक जिलों के साथ तो खाना के पहाड़ों में ये यात्री विमान क्रैश हुआ और उन्होंने कहा कि जांच के लिए क्षेत्र में एक टीम भेजी गई है। वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार विमान रविवार सुबह दुर्घटनाग्रस्त हुआ। बता दें कि अभी तक इस विमान दुर्घटना को लेकर कोई विशेष जानकारी सामने नहीं आई। तो दूसरी तरफ अफगानी मीडिया ने दावा किया अफगानिस्तान में एक भारतीय यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इसमें कई लोगों के हताहत होने की आशंका है। अफगानिस्तान के स्थानीय मीडिया टोलो न्यूज की माने तो ये विमान उत्तरी बदख्वा प्रांत में क्रैश हुआ। MOCA और DGCA के सूत्रों ने जानकारी दी है कि क्रैश विमान भारत में रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्लेन रूस में रजिस्टर्ड है। किसी भी भारतीय एयरलाइन के पास रूस रजिस्टर्ड विमान बिल्कुल नहीं है। खैर, कुछ भी हो, लेकिन देखना तो ये होगा कि किस देश का ये विमान क्रैश हुआ। और सवाल तो ये है कि आखिर किस वजह से ये विमान क्रैश हुआ। आपका क्या कुछ कहना है इस क्रैश विमान को लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।